2023 खत्म होने के लिए लास्ट के 4 महीने बच रहे हैं, लेकिन इन 4 महीने के अंदर इतने तगड़े तगड़े एनिमे रिलीज होने वाले हैं जिनका मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ। जिनमें से ऐसे बहुत सारे एनिमे हैं जो कि नए नए रिलीज होने वाले हैं और ऐसे बहुत सारे एनिमे हैं जिनके सीक्वल्स आ रहे हैं। इन एनिमेज की लिस्ट तो काफी ज्यादा बड़ी होने वाली थी, लेकिन मुझे जो एनिमे बेस्ट लग रहे थे उन लोग को मैंने इस वाले लिस्ट के अंदर इंक्लूड करा है। अगर आपका कोई फेवरेट एनिमे मेरे से मिस हो जाता है तो मुझे उसका नाम कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलो बिना कोई टाइम गवाए आज की हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की हमारे लिस्ट का पहला एनिमे है केंगन आशिरा सीजन 2। इस वाले एनिमे के सीजन 2 का तो मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। जब से मैंने केंगन आशिरा के सीजन 1 के दोनों पार्ट खत्म करे थे ना, उस टाइम से मैं कुछ ज्यादा अटैच हो गया था इस वाले एनिमे से, क्योंकि इसके अंदर जो बैटल है, इसके अंदर जो फाइट और एक्शन है भाई, एकदम चुम्बेश्वरी लेवल की एक्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। स्टार्टिंग में आपको इस वाला एनिमे का एनिमेशन स्टाइल थोड़ा सा अजीब लग सकता है, क्योंकि ये वाला एनिमे नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुआ था। इसके बावजूद ये वाला एनिमे काफी ज्यादा बढ़िया है। इसके अंदर आपको दुनिया भर की ब्रूटल एक्शन देखने को मिल जाती है। तो अगर आप कोई फाइट सीन या अरीना बैटल्स वाला एनिमे ढूंढ रहे तो ये वाला एनिमे आपके लिए बना है। नंबर 2 शांग्री-ला फ्रंटियर। तो ये वाला एनिमे मेरे हिसाब से काफी ज्यादा तगड़ा एनिमे जाने वाला है, क्योंकि इस वाले एनिमे की जो स्टोरी और थीम है वो वीडियो गेम पे बेस्ड रहेगी, तो बहुत सारे लोग इसको काफी ज्यादा पसंद करने वाले हैं। इस वाले एनिमे के अंदर जो अपना मेन कैरेक्टर रहेगा ना, उसको अलग अलग टाइप के वीडियो गेम्स खेलना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन खास करके ऐसे VR गेम्स जिसके अंदर दुनिया भर के ग्लिचेस भरे पड़े रहते या उसको कोई भी खेलना पसंद नहीं करता। इस टाइप के ग्लिच से भरे पड़े गेम्स को कम्प्लीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अपना यहाँ पर मेन प्रोटैगनिस्ट सारे के सारे गेम्स को कंप्लीट करता है। और इन सारे गेम्स को कंप्लीट करने के बाद में उसके पास जो ग्लिच टाइप की पावर्स या जो स्किल्स आ जाती है उनका यूज करके वो दूसरे गेम को बीट करना चाहता है, जिस गेम का नाम रहता है शांग्री-ला फ्रंटियर। तो ये वाला एनिमे इसी गेम के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। इसके अंदर अपना मेन प्रोटैगनिस्ट पूरा का पूरा वीडियो गेम की दुनिया में चला जाएगा। आगे जाके ये वाला एनिमे थोड़ा सा इसी टाइप होने वाला है, तो मैं इस वाले एनिमे के लिए तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नंबर 3 द एमिनेंस इन शैडो सीजन 2। इस वाले एनिमे के सेकंड सीजन का लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला एनिमे वन ऑफ द बेस्ट इसेकाई शो में से एक आता है। लोगों का फेवरेट हो भी क्यों ना, क्योंकि इस वाले एनिमे के अंदर हमको सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाती है। इसके अंदर का एक्शन टॉप नॉच है, इसका एनिमेशन बहुत ज्यादा बढ़िया है, और खास करके इस वाले एनिमे का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो काफी ज्यादा बैडएस है भाई। ये बंदा हर चीजों का कॉम्बो है यार। इसके अंदर आपको दुनिया भर की एक्शन, दुनिया भर की कॉमेडी देखने को मिल जाती है। अगर कोई बंदा मुझसे पूछता है कि भाई तुम्हारे टॉप 2 बेस्ट इसेकाई एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट कौन सा है, तो मैं बोलता हूं कि पहला तो है एमिनेंस इन शैडो वाला और दूसरा है अपना ओवरलॉर्ड वाला, क्योंकि ये दोनों के दोनों मेन प्रोटैगनिस्ट काफी ज्यादा बैडएस और मेरे फेवरेट है। नंबर 4 सोलो लेवलिंग। तो ये वाले एनिमे की मानवा भी काफी ज्यादा फेमस है, इसी वजह से बहुत सारे लोग इसके एनिमे एडाप्टेशन का वेट कर रहे हैं। इस वाले एनिमे की जो स्टोरी रहेगी वो भी एक वीडियो गेम की वर्ल्ड को फॉलो करेगी, जहाँ पर इस वाले वर्ल्ड के अंदर जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो एक वीडियो गेम को बीट करता है जिसको 3 साल से कोई भी खत्म नहीं कर पाया था। जैसे ही अपना मेन प्रोटैगनिस्ट उस वाले वीडियो गेम के ट्रायल्स को खत्म करके गेम को बीट करता है, वैसे वो देखता है कि उसके रियल लाइफ के वर्ल्ड के अंदर भी ट्रायल शुरू हो चुके, जो कि उसी वीडियो गेम्स वाले ट्रायल थे, जहाँ पर अभी सारे के सारे ह्यूमन हंटर्स बन चुके हैं। अभी उन लोग को ट्रायल्स कंप्लीट करके सारे के सारे मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा। जब अपना मेन कैरेक्टर उन ट्रायल्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है ना, तब उसको पता चलता है कि उसके पास में एक यूनिक स्किल आ चुकी है। उस स्किल का यूज करके अपना मेन प्रोटैगनिस्ट किसी भी मॉन्स्टर को अपना चेला बना सकता है। उसके बाद से जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है वो अकेले सारे के सारे मॉन्स्टर से लड़ता है और अकेले खुद की डेवलप करता है। ट्रेलर के हिसाब से इस वाला एनिमे का एनिमेशन काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है और फाइट सीन तो इसके अंदर भर भर के पड़े हैं। अब ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये लोग ने कैसे अडॉप्ट करा है मानवा को। नंबर 5 डॉक्टर स्टोन न्यू वर्ल्ड पार्ट 2। डॉक्टर स्टोन ये वाला एनिमे मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अंडररेटेड एनिमे है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक इस वाला एनिमे को नहीं देखा है। क्योंकि मैं मेरे दोस्तों को खुद पूछता हूँ कि भाई तुमने डॉक्टर स्टोन देखा है नहीं देखा, तो वो लोग बोलते कि भाई ये कौन सा एनिमे है, इसका नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कहने को तो ये वाला एनिमे एक साईफाई एडवेंचर और सर्वाइवल वाला एनिमे है, लेकिन इसके अंदर की कॉमेडी भी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। डॉक्टर स्टोन के अंदर हमको दुनिया भर की साइंस से रिलेटेड चीजें दिखाई जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर साइंस का नाम से कोई बोर नहीं होता है, हर कोई इस वाले एनिमे को एंजॉय करता है। इस वाले एनिमे के अंदर क्या होता है कि एक दिन अचानक से सारी की सारी ह्यूमैनिटी के जितने लोग थे वो सारे के सारे पत्थर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सारी की सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अभी हजारों सालों बाद जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कि पत्थर से इंसान बन जाता है। अभी उसका काम है कि उसको सारी की सारी सिविलाइजेशन को फिर से इस वाले वर्ल्ड के अंदर वापस लाना है। इसी प्लॉट को फॉलो करते हुए जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कैसे पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को फिर से इस वाले वर्ल्ड के अंदर वापस लाता है, यही सारी चीजें आपको इस वाले एनिमे के अंदर देखने को मिलेगी। अगर आपने डॉक्टर स्टोन का एक भी सीजन नहीं देखा है तो जरूर देखना, क्योंकि कुछ दिनों में ही डॉक्टर स्टोन के न्यू वर्ल्ड का पार्ट 2 आ रहा है, तो देख लो यार। नंबर 6 अनडेड अनलक। तो ये वाला एनिमे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एनिमे होने वाला है। इस वाले एनिमे के अंदर जो अपनी मेन प्रोटैगनिस्ट रहेगी इसके पास में एक अनलकी टाइप की पावर्स रहती है, जिसकी वजह से जो भी बंदा इसके कॉन्टेक्ट में आता है वो भाई साहब पूरा का पूरा स्वर्ग सुधार जाता है।
इसी अनलकी पावर्स की वजह से उसने 200 लोगों को मार डाला था, जिसके अंदर उसके पेरेंट भी शामिल थे। ये बंदी इतनी ज्यादा अनलकी रहती है कि जो भी बंदा इसको टच करेगा वो सीधा वही के वही मारा जाएगा। इसी वजह से जो अपनी मेन प्रोटैगनिस्ट है वो डिप्रेशन में चली जाती है, सुसाइड करने का सोचती है, लेकिन किसी वजह से वहां पर वो बच जाती है। फिर उसके कुछ दिनों बाद जो अपनी मेन प्रोटैगनिस्ट है उसको एक अनडेड बंदा मिलता है जो कि कभी मर नहीं सकता। ये भाई साहब एक टाइप से इमॉर्टल रहते हैं, लेकिन ये बोलता है कि मुझे कुछ भी करके मरना है, मुझे जिंदा नहीं रहना, मैं कुछ ज्यादा टाइम जिंदा रह चुका हूँ। फिर इसके बाद जो अपनी मेन प्रोटैगनिस्ट है और जो बंदा है उनके दोनों की जोड़ी बन जाती है। एक बंदा है जो कि मर नहीं सकता और एक यहाँ पर अपनी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो किसी को भी टच करेगी तो वो मर जाएगा। तो बेसिकली अभी इन दोनों की जोड़ी बन जाती है, दोनों के दोनों एडवेंचर पे निकल जाते हैं। अब ये लोग एक टाइप से यूनिक रहते हैं, तो इनके पीछे एक बहुत बड़ी वाली ऑर्गेनाइजेशन लग जाती है। अब इन लोग के एक एडवेंचरस और कॉमेडी वाले सफर के अंदर उनको क्या क्या दिक्कत आती है, यही सारी चीजें आपको इस फुल एनिमे के अंदर देखने को मिलेगी। नंबर 7, राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो सीजन 3। अगर आप इसी का एनिमे के फैन हो या इसी का एनिमे को फॉलो करते हो तो आपने इस वाले एनिमे का नाम तो कभी ना कभी सुना ही होगा, क्योंकि जब राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का पहला सीजन आया था तब ये वाला एनिमे काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। लेकिन जैसे इस वाला एनिमे का सेकंड सीजन आया था तब बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो गए थे, क्योंकि सेकंड सीजन के अंदर हमको इतनी कुछ खास चीजें नहीं दिखाई गई थी। चलो कोई ना, हर एक एनिमे के अंदर कोई ना कोई ऐसा आर्क रहता है जो कि काफी ज्यादा बोरिंग रहता है, वैसे हम बोल सकते हैं कि सीजन 2 इसका थोड़ा सा बोरिंग टाइप था। लेकिन अभी जो सीजन 3 आने वाला है इसके अंदर हमको एनिमेशन क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ज्यादातर इसे का एनिमे का प्लॉट तो सिमिलर ही होता है, बस उसका एनिमेशन और उसकी स्टोरी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए तभी तो मजा आता है ना। तो राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो भी काफी ज्यादा अच्छा इसे का एनिमे है। अगर आपने अभी तक इस वाले एनिमे को नहीं देखा तो आपको इसको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। नंबर 8, बजर्क ऑफ ग्लूटोनी। तो ये वाला एनिमे काफी ज्यादा डार्क होने वाला है। एनिमे के स्टार्टिंग में जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो कि एक नोबल फैमिली के अंदर पैदा होता है, लेकिन एक नोबल होने के बावजूद भी जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके पास में ऐसी कुछ खास स्किल्स नहीं रहती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा बुली होता है, उसको बहुत ज्यादा लोग परेशान भी करते हैं। लेकिन ऐसी जब एक दिन अपना मेन प्रोटैगनिस्ट ट्रेनिंग कर रहा होता है तब उसको पता चलता है कि उसके पास में एक यूनिक स्किल है। उस स्किल्स का यूज करके जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट रहेगा वो सामने वाले बंदे की सारी स्किल चोरी कर सकता है या उसको कॉपी कर सकता है। उसके बाद क्या था, अपना मेन प्रोटैगनिस्ट अपनी स्किल को काफी ज्यादा इंप्रूव कर लेता है और अपनी नोबल फैमिली से अपना बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। एनिमे का प्लॉट तो काफी ज्यादा सिंपल लग रहा है, अभी आने के बाद ही पता चलेगा कि ये लोग हमारे सामने क्या प्रेजेंट करते हैं। नंबर 9, जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 पार्ट 2। तो चलो अभी फाइनली हमको शिबुया एक्सीडेंट आर्क देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर गोजो पास्ट आर्क के अंदर इतनी कोई चीजें हुई नहीं थी, इसलिए बहुत सारे फैंस नाखुश थे कि उन लोग को गोजो का एक्शन देखने को नहीं मिला था। गोजो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक पहली बार कैसे यूज करता है वो हमको स्टार्टिंग के एपिसोड में दिखाया गया था, लेकिन मांगा के अंदर वो वाली चीज काफी ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाई गई थी जो कि एनिमे के अंदर हमको देखने को नहीं मिली थी। तो जुजुत्सु काइसेन के लेटेस्ट वाले एपिसोड हमको 31 अगस्त से देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर हमको बस शिबुया एक्सीडेंट आर्क दिखाया जाएगा, जिसके अंदर दुनिया भर की बैटल्स होने वाली है। तो मैं तो इस वाले सीजन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नंबर 10, क्लासरूम ऑफ द इलाइट सीजन 3। क्लासरूम ऑफ द इलाइट का पहला सीजन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था, जहाँ पर अपना मेन प्रोटैगनिस्ट कुछ ज्यादा ही जीनियस है, वो भाई साहब दूसरों को ना दिखाते हुए भी उन लोग को अपनी उंगलियों पे नचाता है, वो देखने को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इस वाला एनिमे के सीजन 2 के स्टार्टिंग के एपिसोड मुझे थोड़े से बोरिंग लगे थे, मुझे लगा था ये वाला सीजन काफी ज्यादा बोर जाएगा, लेकिन सीजन 2 भी लास्ट में जाके काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो अभी इस वाला एनिमे का सीजन 3 भी आने वाला है, इसका मतलब काफी ज्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक क्लासरूम ऑफ द इलाइट नहीं देखा है तो आपको ये वाला एनिमे डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। इस वाला एनिमे के अंदर आपको दिमाग हिला देने वाली चीजें देखने को मिल जाएगी। अरे रुको, अभी भी वीडियो का एंडिंग नहीं हुआ है, मैंने हर बार की तरह अभी भी बोनस एनिमे रखे हैं। नंबर 11 है अटैक ऑन टाइटन। पता नहीं अटैक ऑन टाइटन इस साल भी एंड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है कि मापा वाले इस वाले एनिमे को कुछ ज्यादा ही लंबा खींच रहे हैं, लेकिन उनका एनिमेशन इतना अच्छा रहता है कि भाई खींचने दो यार, जितने सारे एपिसोड आएंगे हम सारे के सारे देख लेंगे। नंबर 12, स्पाई एक्स फैमिली सीजन 2। तो इस साल हमको स्पाई एक्स फैमिली की मूवी के साथ साथ उसका सेकंड सीजन भी देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर ये वाला शो फैमिली फ्रेंडली और काफी ज्यादा पॉपुलर है। लास्ट में है अपना प्लूटो जो कि एक साइफाई रोबोटिक वाला एनिमे है। तो चलो गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।